हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन की बात। हम हाजिर हैं फिर से एक और लेट नाइट रिएक्शन वीडियो में, और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं सूर्या की द मच मच अवेटेड, द हाईली एंटिसिपेटेड पैन इंडिया डेब्यू फिल्म यानी कि कंगुवा के ऑफिशियल ग्लिम्प्स के बारे में, जो कि अभी अभी उनके बर्थडे के ओकेजन पे ड्रॉप किया है। बहुत बहुत ही बड़ा फिल्म होने वाला है ये, 10 languages में रिलीज हो रहा है, 200 करोड़ से ज्यादा बजट है, 2 parts में रिलीज होने वाला है, तो बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड है। और इनका लुक जो है वो और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है, क्योंकि अभी तक मेकर्स ने लुक कहीं से भी रिवील नहीं किया है, सिर्फ बाहें या फिर पीछे से या फिर आंख, बस इतना ही रिवील हुआ है। तो कुछ बहुत ही डेडली इनका लुक भी होने वाला है, और इसी के साथ हो सकता है हम लोगों को रिलीज डेट भी इसका पता चल जाए, क्योंकि पता है तो यही जा रहा है कि अप्रैल में यानी कि ईद के टाइम पे अगले साल रिलीज होने वाली, तो हो सकता है इस ग्लिम्स में हम लोग को पता चल जाए। हालांकि अच्छा खासा बड़ा ग्लिम्स है, 2.5 मिनट के आसपास का है, लेकिन यार इसमें ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं तो इसमें कहीं हिंदी नहीं है, तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम चारों लैंग्वेज है बट हिंदी में नहीं है। मेकर्स ने बोला तो था कि सारी लैंग्वेजेस में आएगी एक ही साथ, बट आई होप कि ज़्यादा कुछ उससे फर्क ना पड़े, ज़्यादा डायलॉग्स वगैरह ना हो, लेकिन अब लैंग्वेज है तो कुछ ना कुछ डायलॉग्स तो होंगे। चलो कोई बात नहीं, ग्लिम्स देखते हैं और फिर देखते हैं कि कितना फर्क पड़ता है हिंदी के ना होने का। बाकी अगर नहीं होता है तो आप लोग डायलॉग्स जरूर बता देना अगर कुछ ऐसा हुआ तो। बाकी चलिए सीधे चलते हैं रिएक्शन में और उसके बाद इसके बारे में और बात करते हैं। अर्ली 2024 अभी भी रिलीज डेट नहीं बताया यार। मतलब बहुत ही स्टनिंग था पूरा का पूरा विजुअल जो भी था, डायलॉग तो कुछ समझ नहीं, आप लोग बता देना कि किस बारे में था और क्या था, लेकिन तो स्टनिंग। मतलब जिस तरह से एंट्री होता है, पहले ही टॉप शॉट जो दिखाया जाता है जो पूरा फॉरेस्ट का या फिर पर्वत का जो दिखाया जाता है वो बहुत ही जबरदस्त लगता है, और अचानक से फिर हम सोच रहे थे कि कोई झरना आएगा, कोई नदी वदी उस टाइप का आएगा, तो नदी जैसा आता है लेकिन फुल लाशों का ढेर बिछा, और वहाँ पे जो शॉट आता है सूर्या जो भाला फेंकते हैं वो वाला शॉट जबरदस्त, वहाँ पे कुछ तो लियोपर्ड या क्या बोलते हैं उसको वो भी था। एंड उसके बाद उसमें बहुत अच्छा शॉट एक और था जिसमें ऐसे घोड़ा जो है वो दोनों हाथ अपने ऊपर किया हुआ है और पीछे से वो ईगल जो है वो चल के आ रहा है और वो विंग्स बना रहा है सूर्या का, वो शॉट भी बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद तो फिर BGM भी बहुत पसंद आया हमको, एंड उसके बाद जिस तरह से एंट्री होता है उनका और लास्ट वाला शॉट जो इंटेंसिटी, मतलब रोलेक्स याद आ गया एक टाइम पे हमको, मतलब लुक गेटअप सब अलग है लेकिन दाढ़ी वाड़ी वो तो पूरा एकदम उनको रोलेक्स याद आ गया कुछ देर के लिए, बहुत ज़बरदस्त था। BGM फाड़ था, बहुत ज़बरदस्त BGM, जो इसका टाइटल जो सिग्नेचर BGM है वो भी अच्छा है, और उस समय जो बज रहा था वो एक तरह से ट्रांस जैसा एकदम, मतलब ऑलरेडी हम इंजॉय करने लगे थे उसको फर्स्ट बार में, जो कि बहुत कम म्यूजिक के साथ जनरली देखा जाता है, सो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा हाइप बनेगा इसका।
एंड इसमें कौन सा शॉट मतलब फिल्म में एक्चुअल है या फिर नहीं वो हमको समझ में नहीं आया। हमको लगा कि हो सकता है वो मतलब लग रहा था कि शायद हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा और पॉलिशमेंट का जरूरत हमको ऐसा लगा। बाकी आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में ना, अभी अच्छा खासा टाइम है तो वो सब अच्छा से पॉलिश हो जाएगा हमको लगता है। एंड दिस विल बी वन हेल ऑफ अ फिल्म, क्योंकि पास्ट में भी जाने वाला है, हमको लगता है कि अभी मॉडर्न एरा में भी बेस्ड होने वाला है, सब कुछ होने वाला है इसमें। तो देखते हैं किस तरह से क्या स्टोरी होता है क्या नहीं। कोई क्लैन कोई ट्राइब्स इस तरह का कुछ तो लग रहा है, उसके हेड या फिर कुछ कमांडर इन चीफ हो सकते हैं। सो एक्साइटमेंट तो क्रिएट कर दिया जो पहला ग्लिम्स जो करना चाहिए उसको, लुक्स इसका बीजीएम और इसका सब कुछ पूरा एटमोसफेयर और पूरा उसमें लुक तो भाई माहौल सेट कर दिया इसने। सो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में जरूर बताना। एंड विशिंग सूर्या अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे यार, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स करेंटली इन द कंट्री हैंड्स डाउन, मतलब कोई भी शक नहीं है इसमें। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे और वेटिंग फॉर रोलेक्स रोलेक्स सर। और इसके बाद देखते हैं अभी और भी दो तीन फिल्में जो कि है लाइनअप में, वाड़ी फसल ये सब बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। देखते हैं वो सब कब कब आती हैं। और जीवी प्रकाश ने जो ट्वीट करके एक्साइटमेंट क्रिएट किया था, देखते हैं हो सकता है आज भी उसके बारे में भी कुछ है। सो आपको कैसा लगा ये ग्लिम्स जरूर बताना कंगुआ का कमेंट सेक्शन में, जो भी आप कह रहे हैं जो भी आपके थॉट्स हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।